यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज का दिन काफी अहम है। आज सदन में सिर्फ महिला विधायकों की आवाज ही गूंजेगी, यानी आज के सत्र में सिर्फ महिला विधायक अपना विषय रखेंगी। सत्र के दौरान 53 महिला विधायक क्षेत्र के विकास कार्यों पर अपनी बात रखने वाली हैं। तो वहीं विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर के महिला विधायकों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी का। प्रदीप जी, आज अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज का दिन काफी अहम और ऐतिहासिक होने वाला है, जहां पर सिर्फ महिला विधायक, जिनको शायद ही बोलने का मौका मिलता था, आज सिर्फ उनकी आवाज विधानसभा में गूंजने वाली है। बिल्कुल किरण, आपने बिल्कुल सही कहा, ये आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि आधी आबादी की बात सुनी जाएगी। अभी तक आधी आबादी की बात सुनी नहीं जाती थी, दब जाती थी। एक तो वो बोल नहीं पाती थी और दूसरा जब बोलती थी तो जो पुरुष है वो उनको दबा देते थे, लेकिन आज उनको भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, खबर ये है कि ना सिर्फ विधानसभा में बल्कि विधान परिषद में भी आज उनकी आवाज गूंजेगी, यानी कि पूरे विधानमंडल में अगर आज कोई आवाज दिखेगी तो वो आधी आबादी की आवाज होगी। विधान सभा की अगर हम बात करें तो 47 विधायक हैं, आज उनको पूरा बोलने का मौका मिलेगा। दो से तीन मिनट तक उनको बोलने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि जो दर्शक दीर्घा है, जो 3 दर्शक दीर्घा है, उसमें भी आज पुरुष दिखाई नहीं देंगे, उसमें महिलाएं होंगी, उसमें प्रोफेसर होंगे, उसमें टीचर होंगी, उसमें दूसरे डॉक्टर्स होंगी। ये तमाम महिलाओं को भी उसमें आमंत्रित किया गया। करीब 150 महिलाएं दर्शक दीर्घा में रहेंगी और वो भी सुनेंगी कि कैसे उनकी जो आधी आबादी की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो कैसे उनकी आवाज उठा रही है और कैसे जैसे पहुंच रही है। तो ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि ना सिर्फ विधानसभा में बल्कि विधान परिषद में भी आज महिलाएं ही बोलेंगी और पूरे उनको सुनेंगे, क्योंकि ये बात भी किया गया है कि ऐसा ना हो कि आज महिलाओं का दिन है तो पुरुष वहां से गायब हो जाए। ऐसे में उनको कहा गया कि वो विधानसभा के अंदर उपस्थित रहे और आधी आबादी की आवाज सुने। हालांकि कुछ पुरुषों ने इस पर आपत्ति उठाई थी, उन्होंने कहा था कि उनके सवालों को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन मना कर दिया गया और साफ कर दिया गया कि नहीं, आज सिर्फ महिलाओं का दिन होगा। ये एक अच्छा, बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही लेकिन सांकेतिक कदम है। अब सवाल ये उठता है, आधी आबादी की आवाज तो आज विधानसभा में उठ जाएगी, गूंजेगी, लेकिन उनका जो मेन मुद्दा था वो कहाँ है? आरक्षण का मुद्दा, 33% आरक्षण देने की बात की गई थी महिलाओं को अब से 25 साल पहले, यानी कि एक क्वार्टर ईयर पहले कहा गया था कि उनको 25% आरक्षण दिया जाना चाहिए लोकसभा में और विधानसभाओं में, और इसके लिए राज्यसभा में बाकायदा विधेयक भी पारित करा दिया गया था जो आज भी पड़ा हुआ है। जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको पारित कराया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब सवाल ये होता है कि 25 साल बीत गए लेकिन अभी भी महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिला। ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसके साथ, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो महिला विधायक है काफी उत्साहित है आज के दिन को लेकर के, लेकिन मुद्दे क्या है? अगर किसी महिला विधायक से आपकी बातचीत हुई होगी तो उनके मुद्दे क्या है, वो कौन से ऐसे महिला के मुद्दे है जिनको आज विधानसभा में उठाने के लिए जा रही है? देखिए, मुद्दे तो अलग है, लेकिन जो हमारी बात हुई महिला विधायकों से, वो बड़ा उत्साहित है इसको लेकर के। वो इसलिए उत्साहित है, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उनकी आवाज सुनी नहीं जाती थी और जब वो बोलने खड़े होती थी तो बाकी लोग उनको दबा दिया जाता था, लेकिन आज उनको बोलने का मौका मिलेगा और 2 से 3 मिनट का मौका मिलेगा तो वो अपनी बात पूरी शिद्दत से रख पाएंगी, क्योंकि वो भी जनता के द्वारा सुन करके आई है और उनके ना सिर्फ उनके विधानसभा के लोग बल्कि पूरा प्रदेश उनको सुन पाएगा कि वो कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही है। इससे उनका मोरल भी बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आगे फिर वो लगातार इस पर काम कर पाएगी। तो ये एक अपना बहुत ही ऐतिहासिक पहल होगी आज विधानसभा के अंदर, और हम जहाँ खड़े हैं उसके ठीक पीछे विधानसभा है जहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं और ये आज गवाही होगा, ये विधानसभा गवाही होगी कि आज आधी आबादी की आवाज यहाँ पर गूंजने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे खबरों की ओर, राजनीति की खबरों की अगर हम बात करें तो मायावती का जो पलटता हुआ रुख है उसकी भी चर्चा यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से चल रही है। अभी तक मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में देखा जा रहा था और यही कारण है कि पिछले 5-6 चुनाव में वो लगातार हार का मुंह देखती आ रही है और विधानसभा में उनका मात्र एक विधायक जीत करके आया है। तो अब उन्होंने पलटी मारी है और अब सपा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है
भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार को पहली बार कटघरे में खड़ा किया कि भाई धरना प्रदर्शन करने का अधिकार सबको होता है, समाजवादी पार्टी को जो प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया गया ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। लेकिन वो साथ साथ में बैलेंस भी कर रही है। अब आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया कि उनको विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका दिया प्रदेश की जनता ने, लेकिन वो अच्छी तरीके से अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहे। तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर कब कहां पर सलांग लगाएंगे ये कुछ नहीं कहना कहा जा सकता। जो ओम प्रकाश राजभर पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और लगातार पानी पीती कर योगी को गाली देते थे वही, और उसके बाद में फिर वो समाजवादी पार्टी में चले। बिल्कुल, उनकी मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी जानकारियों से रूबरू कराने के लिए। और इसी के साथ आज का दिन जो है ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि महिला विधायक जो है उनकी आवाज आज विधानसभा में गूंजेगी और वहां की भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।